अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं सीसल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको हर वीक मिलते हैं स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्ट रिलेटेड हाई क्वालिटी वीडियोस। आज आप सब इस वीडियो से उन सब मेथड्स को सीख जाएंगे जो मैंने इस बुक ककीबो द जापानीज आर्ट ऑफ सेविंग मनी से सीखे हैं। ककीबो एक एंशियंट जापानीज मेथड है जिसे हर आम आदमी इस्तेमाल करके अपनी आमदनी का या सैलरी का 35% तक पैसा सेव कर सकता है। वैसे मैंने तो 35% का मार्क अचीव नहीं किया, बट 20-22% पैसे मैंने इस मेथड को यूज़ करके सेव किए हैं। 1904 में यह आइडिया ऑथर ने पब्लिक किया और इस आइडिया को हाउसवाइफ्स में काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत मिली। चलिए ककीबो मेथड को डिटेल में समझते हैं। जब जापान के बारे में हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है उनका अमेजिंग डिसिप्लिन, हाई टेक्नोलॉजी, हाई जीडीपी इकोनॉमी, एनीमे जिसका हर बच्चा फैन है और उनका हेल्दी फूड। जापान हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी थी। उस वक्त से जापान ने सेविंग का माइंडसेट अपनाया, क्योंकि जापान पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और आर्मी जनरल्स को ये कहा गया कि वो बिजनेस पे फोकस करें। इसीलिए आपको वहाँ के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन मिलेगा, हर इंसान वहाँ पे ऑन टाइम मिलेगा। ककीबो का मतलब होता है हाउस होल्ड अकाउंट बुक, जिसमें हमने अपने एक्सपेंस और इनकम को नोट करना है। हानी मोटो को वो पहली खातून है जिन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस कराया था, और वही पहली खातून है जिन्होंने इसके ज़रिए 35% तक अपनी सेविंग्स की थी। यूएस और चाइना के बाद जापान की इकोनॉमी तीसरे नंबर में आती है एज अ हाई इकोनॉमी। ककीबो मेथड को ट्राई करने से पहले आप एक नोटबुक ले लीजिए और आप पेज के लेफ्ट साइड पर एक्सपेंसेस लिखिए और राइट साइड पर इनकम लिखिए। ऐसा आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए करना है। इनकम के कॉलम में आता है पहले नंबर पे सैलरी, दूसरे नंबर पे रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक, तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल एसेट्स, चौथे नंबर पे लेंट मनी। सैलरी वो इनकम जो आपकी कंपनी आपको मंथली पे करती है। रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक यानी कि अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है किन्हीं कंपनियों में और वो आपको कोई डिविडेंड पे करती हैं, उनकी आने वाली इनकम भी आप इनकम कॉलम के अंदर ऐड करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि अगर आपने गोल्ड, सिल्वर या किसी भी कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आने वाली इनकम भी आप इस कॉलम के अंदर ऐड करेंगे। लेंट मनी यानी कि अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है और वो आपको वापस कर रहा है, वो भी आप इनकम के कॉलम के अंदर ही ऐड करेंगे। इनकम के कॉलम के साथ आपको एक रिसोर्स का कॉलम भी बनाना चाहिए, यानी कि वो सोर्स जहाँ से आपको पैसा आ रहा है। एक सिंपल सा रूल है कि आपके वॉलेट में जो पैसा आता है उसे हम कहते हैं इनकम, और अगर वॉलेट से जो पैसा जाता है किसी भी चीज़ की सूरत में उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस में आता है नीड, वांट्स, कल्चर, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, फूड, ग्रॉसरी, हाउस रेंट, लोन, ईएमआई, ये सारी एक्सपेंसेस हमारे आते हैं नीड्स के अंदर, और ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बगैर हम जी नहीं सकते। वांट्स के अंदर वो एक्सपेंसेस आते हैं जो नीड्स की तरह इसेंशियल तो नहीं पर हमें करना पसंद होते हैं। मसलन शॉपिंग, हमारी वो हॉबीज़ जिसके अंदर हमारा पैसा लगता है। कल्चरल एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं फेस्टिवल्स, डोनेशंस, आर्ट। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, वैसे ये हमेशा तो नहीं होते, ये वो हर अनफॉरसीन हैपनिंग होती है जिसके बारे में हम तैयार नहीं होते। मसलन मेडिकल बिल्स, अर्जेंट मनी या कोई एक्सीडेंट। इन कॉलम्स को बनाने का ऑथर का मोटिवेशन है कि आपका अपने पैसे के साथ रिलेशन इम्प्रूव हो, जिससे आप अपने इनकम के कॉलम को बढ़ाने पे तवज्जो दें और बुरे एक्सपेंसेस को कम से कम करें। मंथ के स्टार्ट में आपने अपने आप से ये 4 सवाल पूछने हैं। नंबर 1, हाउ मच मनी डू आई हैव, यानी कि मेरे पास कितने पैसे हैं। नंबर 2, हाउ मच आई वॉन्ट टू सेव, यानी कि मैं कितने पैसे इस मंथ बचाना चाहता हूँ। नंबर 3, हाउ मच आई स्पेंड, कि मैं कितने पैसे खर्च करता हूँ। एंड नंबर 4, हाउ टू मेक थिंग्स बेटर। नंबर 4
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेटर कर सकूं। अब आपके माइंड में एक सवाल पैदा होगा कि अगर किसी के अंदर बैड हैबिट जनरेट हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग करने की, तो इसको किस तरीके से रोकें कि ज़्यादा वक्त आपका गुजरता है ई कॉमर्स की साइट्स पर बेस्ट डील्स को क्रैक करने में। तो ये एक्सपेंस करने की आदत को रोकने के लिए ऑथर ने कुछ सवालात हमें सजेस्ट किए हैं जो हम इस आइटम को परचेज करने से पहले अपने आप से पूछ सकते हैं। सवाल नंबर वन, कैन आई लिव विदाउट दिस आइटम, कि क्या मैं इस आइटम के बगैर जी सकता हूँ। बेस्ड ऑन माई फाइनेंशियल सिचुएशन, कैन आई अफोर्ड इट। दूसरा सवाल, यानी कि क्या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूँ। नंबर थ्री, विल आई एक्चुअली यूज़ इट, कि क्या इस आइटम को परचेज करके मैं इसे इस्तेमाल भी करूँगा या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन आइटम परचेज कर तो लेते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं करते। नंबर चार, व्हाट इज़ माय इमोशनल स्टेट इन जनरल टुडे, कि आज मैं जनरली कैसा फील कर रहा हूँ। क्या मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ या बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि साइकोलॉजिकली देखा गया है कि इंसान सबसे ज़्यादा शॉपिंग जब करता है या तो वो उस वक्त सबसे ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हो या सबसे ज़्यादा उदास हो। नंबर पाँच, हाउ डू आई फील अबाउट बाइंग इट, के मुझे अपने आप से ये सवाल पूछना है कि कैसा फील कर रहा हूँ इसे ख़रीदने के बाद। चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, ये बात तो सच है उसे ख़रीदने के बाद वो आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई वैल्यू तो ऐड करती है। इस बुक के अंदर आपको एक कंसेप्ट मनी बॉक्स के बारे में समझाया गया है कि जब भी आप अपने एक्सपेंसेस अपनी सेविंग से ज़्यादा बढ़ा दें तो आप अपने आप को फाइन करें। यानी कि अगर आपने 50% सेव करने का सोचा था लेकिन आपके एक्सपेंसेस 60% या 50% से अबव हो गए हैं, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के ऊपर आप अपने ऊपर फाइन लगाएं 10% का, और वो 10% मनी बॉक्स के अंदर डाल दें। इस तरह जैसा कि हम बचपन में किया करते थे, फॉर एग्जांपल अगस्त के मंथ के स्टार्ट में आपके पास हैं 20,000 और आपकी सैलरी है 30,000 और आपने ये फैसला किया है कि आप 50% सैलरी को सेव करेंगे, तो आपने अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं 15,000 में। मंथ के एंड में आपने ये एनालाइज करना है कि आप इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हो। और इस बुक के अंदर बैड हैबिट्स यानी कि बैड एक्सपेंस से बचने के लिए कुछ स्ट्रेटजी सजेस्ट की हैं ऑथर ने, कि जब आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाएं तो कम से कम 24 आवर आप उस आइटम को ऐड टू कार्ट के अंदर रख के छोड़ दें और अगले दिन सोचें कि क्या आपका इस आइटम को परचेज करने का दिल कर रहा है या नहीं। नंबर टू, चेक योर बैंक अकाउंट डेली। ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि आप अपने बैंक अकाउंट में अपनी करंट मनी डेली चेक करें। आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू ये काम बहुत इजी हो गया है। नंबर थ्री, स्पेंड इन कैश। इस बुक के अंदर इस चीज़ के बारे में सजेस्ट किया गया है कि जब भी कोई एक्सपेंस आपने करना है तो आप कैश की सूरत में करें, ना कि ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू। क्योंकि जब आप उन पैसों को खर्च करते हैं कैश की सूरत में, तो आपका रिलेशनशिप अपने पैसे के साथ इम्प्रूव होता है। आई होप इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव ऑडियो बुक समरीज के लिए आप हमारे सिसल चैनल को सब्सक्राइब करें।